हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे ये जो ट्रैकिंग हम लोगों का जो ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा था उस टाइम का ये वीडियो जो आपके सामने प्ले हो रहा है ये उस टाइम जब हम लोग यहाँ से चले थे गेस्ट हाउस से तो उस टाइम मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो थोड़ा सा बनाया मैंने कोशिश किया कि उसी टाइम में मतलब उसी के साथ एक्सप्लेन करते हुए जाने का लेकिन थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन है कि मैं उसको सिर्फ ऐसे ही बस वीडियो बना के मैंने रखा और वॉइस ऑवर करने में भी बहुत टफ लगता है क्योंकि इस ट्रिप को काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों ने करे हुए लेकिन अभी मेरे को वीडियो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला था मेरे मतलब बच्चे का एग्ज़ाम था बीच में तो वो नहीं मैं कर पाई लेट कर रही हूँ लेकिन हो सकता है थोड़ी चीज़ें ना मतलब वो होता है ना कि स्टार्टिंग में जब हम लोग करके आते हैं तो वो एकदम पूरा फ्रेश होते हैं सारी मेमोरीज अभी थोड़ा सा उस चीज़ को काफ़ी टाइम हो चुका है तो मेरे को थोड़ा याद नहीं है चीज़ें बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी वीडियो को देखते हुए कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है जहाँ पर हम लोग गए थे ये Uh, हम लोग uh, सुराल भटोरी लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे पांगी में है ना पांच भटो भटोरियाँ हैं सॉरी पांच भटोरियाँ हैं तो ये हम लोगों का पूरा पांच हो चुका है क्योंकि ये वाली जो ट्रिप में है हमारी इसमें हम लोगों ने दो भटो भटोरियों को साथ में ही वो किया क्योंकि रास्ते में ही पड़ रही थी एक दूसरे से लिंक थी ये तो हम लोगों ने एक साथ में ही उनको किया बाकी तीन का हम कर चुके हैं जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया था वो एक भटोरी का था और ये है दो भटोरियों का एक साथ में मिक्स है तो मैं आपको जहाँ जहाँ मुझे मतलब वो होगा मैं आपको बता दूँगी बाकी ये है चसक भटोरी जहाँ हम लोग जा रहे हैं तो ये रास्ता है जो हमारी गाड़ी यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी करने के बाद का है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ये वीडियो आपके सामने जो प्ले हो रहा है वो गाड़ी आगे नहीं जाती है इससे थोड़ी से पहले ही हम लोगों ने गाड़ी रोड पे खड़ी कर दी थी और हम लोग को पैदल ही जाना था आ, सारा ट्रिप वहीं ऐसे ही करना था ट्रैकिंग मतलब सॉरी तो उसके हम लोग अपना बैग वैग या जो भी आवश्यकता की जो हमारे सामान होते हैं जिससे हमें नीड होती है जैसे पानी है या हम लोग को खाना वाना जो हमने छोटा मोटा कुछ सामान रखा था वो हमने छोटे छोटे बैग कैरी कर लिए थे हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे हमारे साथ जो कि जन... मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे साथ होते हैं बट अपने अपने सब अपने अपने वीडियोज़ फ़ोटोज़ या अपनी ज... इंजॉय कर रहे होते हैं तो अपना अपना सब में दिखा हो सकता है दिखेंगे इसमें या नहीं दिखेंगे नहीं आइडिया मुझे बट हमारे साथ और भी ड्राइवर था और बहुत सारे लोग थे तो हम गए थे और अपने अपने बैग सब ने कैरी किए हुए थे हमारे दो बैग थे क्योंकि हमारे साथ हमारा बेटी भी है और हम दोनों हैं तो हमारा थोड़ा सा सामान ज़्यादा था खाने पीने का और मतलब आप ट्रैकिंग की बात करोगे तो हम लोग को बीस घंटा ओ सॉरी बीस किलोमीटर हम लोग को लगा मतलब जाना था पैदल और मतलब पैदल जाना नॉट अ बिग डील बट वो जो आप रास्ता देखोगे ना यहाँ का मैं आपको नहीं दिखा पाई मैं पूरा क्योंकि नहीं कैरी कर पा रहे थे हम लोग कैमरा वगैरह क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी कह सकते हैं इस रास्तों को सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगा ये पांच भटोरियों में ना सबसे ज़्यादा टफ पांच भटोरियाँ तो जो है जो मेरी लाइफ का सबसे सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस कह लो या यूनिक कह लो या कुछ भी मतलब है कि मैंने लाइफ में कभी इस तरह के डेंजरस रास्ता नहीं देखा है जो इस टाइम मैं सफ़र कर रही हूँ उस टाइम मुझे नहीं पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं अगर हो सकता है मुझे पता हो तो शायद मैं इस चीज़ को अवॉइड कर दूँ क्योंकि बहुत टिपिकल रास्ता था बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा था कि नहीं पार हो सकते और बच्चा भी था छोटा है पाँच साल का बच्चा है तो वो थोड़ा सा टफ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ था तो अभी तो हम लोग बहुत स्टार्ट ही स्टार्ट हुई है हमारी ट्रिप तो हम लोग बहुत खुशी खुशी अच्छे से वीडियो में क्योंकि आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं ना ये वीडियोस सिर्फ जब तक थोड़ा स्मूथ रास्ता था तब तक हम लोगों ने एंजॉय किया वीडियोस बनाए सब कुछ है बट जब मतलब रास्ता जो मेन रास्ता शुरू हुआ तो हम लोग ना तो वीडियो बना पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ ये रहा था कि बस निकल जाए यहाँ से क्योंकि ऐसा रास्ता था ना कि मतलब आप एक पैर एक बार एक 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 चूक गया ना आपका पैर सीधे आप खाई में गिरोगे वो भी कहाँ जाओगे नहीं पता मतलब बहुत बहुत ज़्यादा तो जो भी प्लान कर रहे हों तरह से विजिट करना या फिर ट्रैकिंग करना या यहाँ पे इस तरह की ट्रैकिंग करना तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ जाएँ और थोड़ा सा मतलब उस टाइम धूप भी बहुत ज़्यादा थी सबसे बड़ी बात तो क्लाउड मतलब ऐसा हमने सोचा था कि बारिश का टाइम है तो थोड़ा ठीक ठाक मौसम रहेगा बट उस दिन बहुत अच्छी खासी धूप मतलब आते टाइम तो हमारा ये हाल था कि इतना धूप हो रही थी वहाँ इतनी धूप थी कि मतलब पूरे पहाड़ ऐसे तप रहे थे ऐसा लग रहा था आप एक भट्टी में हो मतलब बिल्कुल तंदूर में आप चल रहे हो और इतना पूरी चारों तरफ से हीट आपको मतलब वो कर रहा था इतनी टैन हो गई थी हमारी स्किन इतनी टैनी स्किन हो गई थी कि आप मतलब अब तक भी वो ठीक नहीं हो रही मतलब महीना भर होने को जा रहा है लेकिन हम लोगों का टैन मेरी याद तो स्पेशली मेरी टैन नहीं जाने में आ रही इतना ज़्यादा टैनी हो गई मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्योंकि फुली कवर्ड था लेकिन जो पार्ट हमारी बॉडी का बाहर था वो तो बहुत बुरी तरह टर्न हो गया सन सनस्क्रीन वगैरह सब यूज़ किया हुआ वो फैल है सब कुछ यहाँ हम पहुँच गए ये था जहाँ पे हमको जाना था इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं जिस तरह से हम लोगों ने इतना किलोमीटर चल के हम गए इतना मतलब ख़तरों से लड़के हम लोग वहाँ पहुँचे तो इतना मज़ा नहीं आया बट ठीक uh, है सो so, सो so, ये यहाँ पर इनका एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है ये जो बना रहे हैं ना ये बन, मतलब ये कोई यहाँ के लोकल है जो बना रहे हैं तो ये इनका लोकल ड्रिंक होता है आ, मतलब बेसिकली ये एक मतलब देसी दारू टाइप्स जो होता है ना आ, तो वो ये लोग बना के पीते हैं तो ये इसी तरह का ये बना रहे हैं और उसका प्रोसीजर है ये बनाने का फुल तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम हमारे पास था नहीं कि मैं इतना देर उनको रिकॉर्ड कर पाती बट थोड़ा सा एक देख पा रहे हैं हम लोग किस तरह से इनको बनाते हैं ये लोग ये पानी डालते हैं और फिर उसमें छोटा छोटा बूंद गिर के कैनी में गिरता रहता है गिरता रहता है ये इकट्ठा करके रखते हैं अपना जब आ, 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 स्नो टाइम होता है बर्फ़ जो सर्दियों में तो ये लोग पूरी तरह पैक हो जाते हैं इनके ऊपर पूरा फुली बर्फ ही बर्फ़ होता है तो ये अपना अंदर रखते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से स्टोर करके और अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह का शॉप वगैरह या ऐसा कुछ है ही नहीं बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है या कुछ भी नहीं है मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं सन्न हो गई कि यार मतलब यहाँ पे लोग ये सर्वाइव कैसे करते हैं मतलब सर्वाइव करना इतना मतलब मुश्किल लग रहा था कि आप सोचते रह जाओगे कि ये लोग कैसे मतलब अपना जीवन लेकिन एक होता है ना यूज़ टू हो जाना तो ये ये इनका लाइफ स्टाइल ऐसा है और कई सालों से चला आ रहा है कितने सालों से हम तो अब देख रहे हैं पता नहीं ये कब से यहाँ रह रहे हैं तो ये इनको आता है अपनी चीज़ें कैसे ठीक रखना है हमको इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि हम इस सुविधाओं में रहे हैं हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है हमारे लिए थोड़ा टफ़ हो सकता है लेकिन ये लोग देखो ये है इनका मतलब चीज़ें लाने ले जाने के लिए ये खच्चर है क्योंकि यहाँ पे आप और कोई साधन नहीं है आपके पास आप जा पैदल जाओगे या फिर इस तरह से ये खच्चर जो ये सामान ढोने के काम आते हैं तो इन इनसे ये लोग अपना चीज़ें लाते हैं या जो भी करते हैं तो ये है इनका साधन तो इस तरह से ये लोकल्स हैं और ये ये अपनी सामान अभी हम लोग का वो छोटी सी जगह है जो हम लोग सोचे थे मैं बहुत सोच के आई थी कि शायद बहुत बड़ी खुली वैली होगी आगे जाके बहुत अच्छा लगने वाला है बट ऐसा कुछ था नहीं एक शॉकड टाइप का मुझे लगा कि यार इतना ज़्यादा वो करके आए और हम लोग इतना इतना तो खूबसूरत रास्ता था नदी था बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें थी ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे ग्रीनरी का बहुत अच्छा वो है बट यहाँ पे तो एक नॉर्मल सा कुछ इससे बेटर बेटर देखा हुआ है तो ये थोड़ा कम लग रहा था और देखो इतना ख़तरनाक रास्ते थे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मुझे अब यहाँ से नीचे जो वाला है ना ये तो ये तो इसके कंपैरिजन बहुत अच्छा है मतलब ये सोचिए बहुत ख़राब वाले में तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए मतलब ये सीन था कि आप अगर फ़ोन देख रहे हो ना तो सीधे नीचे ही जाओगे तो वो फ़ोन ऑन सब बैग में पैक थे बस ऐसा लग रहा था पार हो जाए कैसे कैसे करके तो वैसे चल रहा था अब ग्रीनरी बहुत अच्छी थी नीचे नदी है बहुत हाइट पर थे हम लोग उस टाइम तो।, तो, तो बहुत अच्छा मज़ा भी आया बहुत इन्जॉय किया लेकिन ना और उसके बाद तो मतलब तीन दिन तक तो हम लोगों की जो हालत थी स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मेरे को अच्छे से मेरे को रेस्ट करना था मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन वाला जो काम था मतलब वॉक पे जाना ये सब छूट गया था तो फाइनली हम लोग पहुँच के मतलब यहाँ वही जगह है जो जिस पे हम गए थे और बहुत मज़े किए थे फिर इन्जॉय भी किया काफ़ी मतलब फ़ोटो वोटो तो वीडियो वीडियो बनाए और अब ये है मतलब एक और भटोरी जिसकी मैं बात कर रही थी ना अभी मेरी दिमाग से ना नाम थोड़ा सा इसका हो रहा है याद होगा तो मैं आपको बताऊंगी बट ये लास्ट भटोरी थी जो पांचवी भटोरी जिसमें मैं बोल रही थी तो ये बहुत खूबसूरत था मतलब ये एकदम इस पर कोई चढ़ाई नहीं था और बहुत ही ब्यूटीफुल सा खुली हुई वैली थी एकदम बहुत ही प्यारी प्लस रिवर और ये मतलब यहाँ हम लोग को बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ गाड़ी यहीं यह रिवर के किनारे हमने गाड़ी पार्क की और एकदम बढ़िया से एंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे कोई चढ़ाई वढ़ाई का सीन नहीं था लास्ट तक गाड़ी जा रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है ये शाम हो गई थी हमको आते आते क्योंकि सुबह हम छः या छः सात बजे निकले थे यहाँ से और हम लोगों को शाम हो गई थी ये देख लो आप चलते 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 पूरे दिन भर और ये ये बहुत सुंदर था मतलब ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया और इसमें हमने खूब मस्ती की खूब वीडियोस बनाए खूब सारा एंजॉय किया और यहाँ एक छोटी सी वो गोम्पा है हम गोम्पा में गए और दर्शन किए भगवान बुद्ध के और मतलब अच्छा लगा यहाँ पे आके तो उसके बाद में हम लोग फिर ये निकल गए थे यहाँ से शायद और वीडियोस भी ऐड है लेकिन थोड़ा सा ये पहले कर दिया था ये आते टाइम देखो कितना तो तो खतरनाक पानी मतलब मैं तो बहुत स्कैरी सी हो गई थी और मैंने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ से नहीं जाना हम लोग ब्रिज से जाए फिर ठीक है ठीक है कोई नहीं ऑफ रोडिंग कर देंगे और इसका भी एक्सपीरियंस ले लेंगे तो कोई नहीं फिर बाद में नहीं दिक्कत हुई क्योंकि चलाने वाले बंदे वहीं के होते ना ड्राइवर वगैरह तो उन लोगों को आता है सारी चीज़ें करना तो ऐसा कोई वो नहीं था लेकिन ग्रीनरी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है बहुत अच्छा है लेकिन अगर उस हिसाब से ट्रैकिंग के हिसाब से देखा जाए तो है थोड़ा सा टफ़ है <coughs> सॉरी तो अच्छा था बहुत बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे ये रिवर और ये सब चीज़ें मतलब देखने में मैं अगर मेरी हिसाब से बोलूँ तो ये जो वीडियो में इतना मतलब मज़ा नहीं आएगा बट अगर आप पर्सनली आके देखती हो ना उस चीज़ को तो बहुत मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा और बहुत अच्छा भी है यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है कि हाँ लेकिन जो इंटरेस्टेड होते हैं ना जैसे जिन लोगों को पहाड़ पसंद है ट्रैकिंग करना पसंद है या एडवेंचर्स पसंद है तो उन लोगों के लिए बेस्ट जगह है इससे बेस्ट मतलब कहते हैं ना कि नहीं हो सकता आई थिंक नहीं हो सकता हो सकता है इससे बेस्ट हो बट अपनी अपनी जगह का अलग अलग एक एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस बेस्ट है यहाँ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जगह है हो सकता है फ्यूचर में आ, कोई और जगह इससे ज़्यादा खूबसूरत हो इससे अच्छी हो लेकिन उसका एक अलग अपना है इसका एक अपना है तो मैंने ये पहले लास्ट वीडियो में भी बोला था कि उस जगह का जहाँ मैं पहले बार गई थी वहाँ का उसका अपना एक वो है एक्सपीरियंस अपनी अपनी जगह की इम्पोर्टेंस होती है और ये जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे एक गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पे स्कूल का है ये हॉस्टल तो यहाँ पर शायद ये बच्चे लोकल्स पढ़ते हैं या फिर शायद बाहर बाहर के बच्चे पढ़ते हैं नहीं इतना आईडिया क्योंकि हम लोग आते टाइम ना बहुत जल्दी में थे क्योंकि लेट हो रहा था तो नहीं उतर के एक्सप्लोर नहीं किया और बाहर से ही देखा हम लोगों ने सारा और यहाँ पे मेरी बेटी जो है यही खच्चर जा रहे थे तो ये लोग सब उनको उसको बैठा के और वैसे वीडियो वगैरह बना रहे थे तो मैंने ऐड कर दिया और ये देखो इसको भी मत, इसको बहुत शौक़ है मतलब बहुत ज़्यादा शौक है इसको ये हम लोग थक गए सब थक गए पर ये नहीं थकी क्योंकि इसको बहुत मज़ा आ रहा था और इसको ऐसी चीज़ों में बहुत टचवुड बहुत मज़ा भी बहुत आता है तभी हम लोग शायद इतना घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि बच्चा आपको अगर कोऑपरेट कर रहा है और बच्चा इंजॉय कर रहा है बहुत खुश है तो फिर आपको चीज़ें ना बिल्कुल फिर दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं है क्योंकि आपको लगता है ना कि जब बच्चे की खुशी है प्लस आपकी खुशी है तो फिर फिर तो फुली इंजॉय करना चाहिए क्योंकि बच्चा अगर तंग है परेशान है ट्रैवलिंग में दिक्कत हो रही है या उसको सब कुछ हैक्टिक लग रहा है तो फिर आपको भी नहीं यार अवॉइड करना पसंद करोगे क्यों क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम में आप नहीं चाहोगे ना कि वो वो प्रॉब्लम रहे और आप मतलब इंजॉय करें तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है मतलब सोच नहीं सकते हैं हम लोग कि बच्चे को मतलब प्रॉब्लम हो और आप इंजॉय कर पाए नहीं लेकिन हमारा तो बच्चे ही ऐसा है कि <coughs> हम थक जाते हैं हम परेशान हो जाते हैं लेकिन बच्चा नहीं नॉन स्टॉप मतलब हम लोग वहाँ पे वो जो मैं बोल रही थी कि बहुत डेंजरस है वो उस उस ट्रिप के बाद में इसके लिए भी वो कह रही नहीं नहीं हम चलते 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 कह रहे ठीक है कोई नहीं बच्चा अगर कह रहा है और उसको मज़े आ रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है फिर तो फिर उसको बहुत मज़े आए और वो बहुत मस्ती कर मतलब एकदम बढ़िया इन्जॉय किया और ये वही है जो मैं आपको बता रही थी ना यहाँ पे हम पहुँचे थे तो एक क्लिप था जो मतलब पूरा बनाया हुआ था कि बस यही वैली थी जिसके लिए हम लोग इतना ट्रैकिंग करके यहाँ पहुँचे थे यही थी वैली पूरी जिसमें ये पूरा है तो ये था हमारा पूरी ट्रैकिंग ट्रिप तो आपको और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ अगर चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना बाय